आज रमजान और नवरात्रों के बीच एक और त्योहार को शामिल करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज हम दिल्ली के दिल से जुड़े पकवानों और उन्हें परोसने वाले हाथों को सम्मानित और पुरस्कृत करेंगे और साथ ही सुनेंगे हमारे फूड एवं टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े एक्सपर्ट्स के विचारों को। अब मैं आप सभी के बीच आमंत्रित करना चाहूंगा दिल्ली फूड वॉक्स के फाउंडर श्री अनुभव सप्रा जी को, जो इस समारोह और दिल्ली फूड वॉक्स के बारे में आप सबके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करें। स्वागत। दिल्ली फूड वॉक्स की शुरुआत 2010 में हुई थी, आज ऑलमोस्ट 13 साल हो चुके हैं और शुरुआत एक छोटे से फूड ब्लॉग से हुई थी और आइडिया ये था कि जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं उनकी कहानी लोगों तक पहुंचाई जाए और जो छुपे हुए जायके हैं पुरानी दिल्ली के अलग अलग जगहों के वो एक्सप्लोर करके वो हम डॉक्यूमेंट करें और लोगों तक पहुँचाएँ। शुरुआत वहाँ से हुई। 2013 आया, हम लोगों ने फूड टूरिज़म में करना शुरू किया, फूड बॉक्स ऑर्गेनाइज करनी शुरू की और आज लगभग 10 साल से ऑलमोस्ट ऊपर हो चुके हैं हम लोग को दिल्ली में फूड बॉक्स करते हुए। और दिल्ली फूड बॉक्स से मेनली तीन चीज़ें हैं जो हम लोग करते हैं। एक तो फूड बॉक्स है, अभी दिल्ली और जयपुर में हम लोग ऑपरेशनल हैं। आगे हमारा प्लान है कि हम लोग इंडिया के और भी स्टेट्स में और भी शहरों में जाके अपने फूड बॉक्स करेंगे और फूड बॉक्स में हमारे डोमेस्टिक टूरिस्ट भी आते हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आते हैं और भी मतलब ऐसे कॉलेज के स्टूडेंट्स भी आते हैं, सभी तरह के लोग हमारे फूड बॉक्स में पार्टिसिपेट करते हैं। सेकंड हमारा है फूड कंटेंट क्यूरेशन। 2018 में हम लोगों ने अपने यूट्यूब की शुरुआत की, यूट्यूब चैनल की शुरुआत की। आज हमारे चैनल पे 1.24 प्लस मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और आइडिया ये रहता है कि पूरे इंडिया में जाएँ, जगह जगह जाके जो स्ट्रीट फूड है उससे जुड़ी हुई स्टोरीज हैं वो लोगों तक पहुँचाएँ। मीडियम बदल गया है, पहले फूड ब्लॉग होता था, अब फूड ब्लॉग हो चुका है और अक्रॉस इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर मिला के 2 मिलियन प्लस हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। थर्ड, हम लोग फूड फेस्टिवल क्यूरेशन भी करते हैं जिसमें हमारा एक फ्लैगशिप पूरे साल का एक फूड फेस्टिवल होता है जश्न रेखता, वो फोर्थ एडिशन हम लोगों ने इस बार किया है उनके साथ, उसका नाम निवाले जायका होता है और मुझे लगता है कि दिल्ली में उससे बड़ा फूड फेस्टिवल कोई नहीं होता। मेनली वो होता उर्दू फेस्टिवल है, स्टार्टिंग उर्दू से ही हुई लेकिन आज एक मेन अट्रैक्शन उसका फूड भी बन चुका है और उसमें भी आइडिया रहता है कि जो हमारे स्ट्रीट फूड है पूरे इंडिया के वो एक जगह पे एक छत के नीचे लेके आए। फाइनली प्रमोटिंग स्ट्रीट फूड, जो स्ट्रीट फूड कल्चर है वो प्रमोट करना। कोविड के टाइम पे भी हम लोगों ने कैंपेन किया था सपोर्ट स्ट्रीट फूड वेंडर्स और सोईती है आउटलुक से हमें IRTA से बेस्ट रिस्पॉन्सिबल कम्युनिकेशन कैंपेन का अवार्ड भी मिला, ओवरऑल भी बैनर थे हम लोग। आइडिया ये था कि सबसे पहले पूरे आप कहें फूड इंडस्ट्री में हम लोग थे, हम लोगों ने सबसे पहले इनकी आवाज़ उठाई स्ट्रीट फूड वेंडर्स की, कि जैसे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है उनके एक बॉडी है NRAI, बट स्ट्रीट फूड वेंडर्स की स्पेसिफिकली कोई बॉडी नहीं है। स्ट्रीट फूड की एक बहुत ही अनऑर्गेनाइज आप कहें मतलब ऑर्गेनाइजेशन है स्ट्रीट वेंडर्स की, जैसे NASFI है, नेशनल हॉकर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है, लेकिन कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो सिर्फ स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए काम करती है। तो हम लोगों ने स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए आवाज़ उठाई, उनके लिए कैंपेन किया कि रेस्टोरेंट पे इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं लेकिन स्ट्रीट फूड सेफ है खाने में, और उससे और भी बहुत सारे हम लोगों ने कैंपेन किए जो कि फाइनली जाके हमने FSSAI को एक रिकमेंडेशन भी दी कि ये सारे पॉइंट्स फॉलो किए जाने चाहिए ताकि हम सब जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं उनको सपोर्ट कर सकें। Awards. You know, it's a super exciting celebration because who does not love street food? You know, this first panel discussion is on a topic which is very close to my heart. Broadly speaking, it kind of sums up to storytelling. But ye itna bada topic hai, so we're going to try summarize it to 4 key points if that's also okay with you. The 4 bits, the big discussion points jo hum aaj baat karenge would be around the relationship between food and social media. Does food content creation kind of further the reach of culinary kind of traditions and processes or dilute it down into a 30-second reel? The third bit will be who is the digital consumer for this kind of content? And the last bit, most importantly, that Samir and I were also kind of like discussing abhi jab hum bethe the, was what is
responsible content creation when it comes to something that we all love and thereby so subjective, which is food. I'm going to kick off with Anubhuti. You are one of my favorite food journalists. Our print maybe or digital maybe, you know, ab kaam karte hain. Now, as per you, is there a linkage between food content and thereby the possible success of that food product or story? Hi everyone, good evening, namaste. इस पूरी आपका जो आउटलाइन था उसमें मैं थोड़ा सा प्रिंट भी ऐड करना चाहूँगी. प्लीज आपका क्वेश्चन है कि कंटेंट से फूड की रीच बढ़ती है या अलग अलग तरह के खाने की रीच बढ़ती है या नहीं. आई थिंक ये बहुत ही आज की डेट में हम यहाँ बैठ के वी नो कि दुबई में क्या मिलता है, हमें पता है कि कोड़ीकोट में क्या मिलता है. शुरुआती कुछ कहानियाँ जो मैंने लिखी वो जब मैं कहीं गई मैंने कुछ स्ट्रीट फूड खाया. एक्चुअली स्ट्रीट फूड हमारा सबसे फेवरेट जॉनर, आई थिंक ऑल ऑफ अस अग्री ऑन दैट. वो सबसे आम इंसान की रीच में होता है और सबसे लज्जतदार होता है मुझे लगता है. तो उस वक्त जब मैंने एक, अब मुझे याद है जयपुर में एक ठेले वाला खड़ा होता है कोने पे बड़ी चौपड़ के जो दाल की पकौड़ी बनाता है अपनी छोटी वाली, मैंने 400 वर्ड का एक हिंदू में आर्टिकल लिखा था एंड आई रियलाइज मुझे कितने लोगों ने ईमेल किया, कितने लोगों ने मैसेज किया. आई वॉज नॉट एन इंस्टाग्राम देन एंड आई रियलाइज दैट खाने की कहानियाँ लोगों से बहुत ज़्यादा जुड़ती हैं. ट्रैवल सबके बस का नहीं होता पर खाना हम रोज़ खाते हैं सुबह दोपहर शाम रात. बहुत सारे हम में से यहाँ आए थे ऑल ऑफ अस जो एक खाना एक 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 मील खा के दूसरे के बारे में सोचते हैं, कोई बनाने के बारे में कोई खाने के बारे में. सो कॉन्टेंट से एंड आई गो बैक टू नाउ श्रेयस क्वेश्चन. इंस्टाग्राम फॉर एग्जाम्पल रील स्पेशली जब से आ गए हैं, जब से आम आदमी के हाथ में फोन है उसकी अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है. फूड बिजनेस ओनर टुडे अगर ऐसे कोई तीन चीज है दैट दे शुड थिंक व्हेन दे यू नो थिंकिंग आज मेरे कंटेंट पे क्या आना चाहिए कि किसी के जहन में आए, व्हाट वुड दोस थ्री थिंग्स बी एज़ फॉर समथिंग. सो व्हेन इट कम्स टू मी एज एन इंडिविजुअल लाइक यू सेड आई हैव बीन एट इट फॉर इवन बिफोर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक वाज यू नो लाइव. आई हैव बीन राइटिंग अबाउट इट, about food on internal publications, office magazines, so on and so forth. If I put my mind to it, the top three things, number one would be what is unique about a specific place or a specific preparation. Secondly, the other bit is demographics. So for example, if I'm living in Delhi and I'm creating content, right? Most of my consumers, because of the demographics, are in Delhi or India. But let's say if I travel to the US, I would want to show what different preparations are there, what different dishes are there, which possibly are not available in Delhi. And even if they are available in Delhi, what is the real deal? So that kind of comes up on tops. Third and the most important bit is skill and talent. There are so many talented people around, not only chefs. There are, you know, you go to the nooks and corners of the country, there are so many people here, friends of mine sitting in the audience. We really, really, you know, I get goosebumps looking at some of the talent which is around in even the bylanes of old Delhi. That's really interesting because then what you're saying is that you're tailoring interesting content sometimes also based on who's the viewer, right? Now Anubhuti, I wanted you to weigh in on this because as a journalist, print and digital, what is very exciting and interesting to me is that aap ek interesting topic, you know, food may, whether that's a product or a person or a restaurant or a chef, whatever that story is, right? First you have to discover that story. Then you have to share that story on forward to a fairly invisible audience. How do you build and craft a story jo ek wider audience ko interesting lage? It's a very, thank you for that question because aajkal padhte kam log hain.
लेकिन यू नो व्हाइल दिस ऑडियंस में भी इनविजिबल हमें मालूम नहीं पड़ता एज अ राइटर आई रियली डोंट नो हाउ मेनी पीपल रीड मी बट समटाइम्स पाँच छः सात साल बाद कोई मुझे मैसेज करके बोलता है मैं पाँच साल से आपके आर्टिकल्स पढ़ रही हूँ जैसे अभी मैंने बोला दैट यू रिटन अबाउट मुझे नहीं पता था कि आपने रेड समथिंग सो एज अ जर्नलिस्ट व्हाट्स वेरी एक्साइटिंग फॉर मी एज अ राइटर व्हाट्स एक्साइटिंग फॉर मी इज आई डोंट नो हु द ऑडियंस इज सो इट्स ऑल्सो चैलेंजिंग मेरा कॉन्टेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो सकता मेरा पर्सनल स्टाइल भी लिखने का थोड़ा सरल है my idea is that everybody should be able to understand. अगर कोई भी अखबार उठा के पढ़ेगा मेरी अंग्रेजी भी सिंपल होगी मेरी भाषा भी सिंपल होगी द आइडिया इज टू गेट द स्टोरीज आउट द आइडिया इज टू गेट द ह्यूमन एलिमेंट आउट सो जब आप मैं कोई कोई भी फूड आर्टिकल लिखती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कहानी सुनाऊँ और मैं इन्फॉर्मेशन डाउनलोड नहीं करती क्योंकि इन्फॉर्मेशन के लिए टॉप 10 थिंग्स हियर टॉप 5 थिंग्स देयर बहुत कुछ है सो फ्रॉम अ क्यूरियोसिटी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स ऑलवेज इंटरेस्टिंग कि आप कॉन्टेंट आप देख रहे हैं फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड वांछे का प्राइम ने लूप यू इन नाउ बिकॉज आई नो हमारे ऑडियंस में भी काफ़ी लोग हैं जो अपना खुद का फूड बिजनेस राइट दे हैव टू रन इट फ्रॉम अ बिजनेस ओनर पॉइंट ऑफ व्यू सोशल मीडिया उसको आपका लिंकेज आपको बढ़ा रहा है या डू यू फील लाइक आफ्टर अ पॉइंट क्यूरियोसिटी एंड नॉलेज isn't converting into anything. Hello everybody, very glad to be here in this conversation today. I think social media, it does help. Ek had tak to help karta hai. But content itna sara hai social media pe ki attention span is very very less. Kitni der tak wo dekhte hai log, they just scroll on. You also do it, I also do it, I know that people don't pay attention anymore. So there is so much content and the quality of content is, it is subjective and me as a chef, I would think, achha, why is this other chef putting such a basic content on? You know, why is this restaurant putting this? Why is it not informative? I also try that mera restaurant hai to kuch information jaye bahar not just an image ki acha ye is dish ki photo hai the research behind that dish the travel behind that dish you know all of that really helps but as a business owner will the audience really read ki kya likha hai I want to ask you Vanshika you know as a chef as a business owner as a restaurateur over the course of time and let's put it in more 4-5 years that's where I feel you know there's been a linkage between discovery and sales you must be observing consumer behavior and thereby consumer trends sometimes does social media pe dekha to oh I want to try it does that also lead to reprogramming menus or making sure it's on your And people do that. कि मैंने ये देखा था आप ये बना रहे हो. You kind of catering to this demand. You have to kind of tweak your product here and there. That okay, this is the demand because you are running a business at the end of the day. And this is a very recent shift in my way of thinking because I started running a business and it is a lot about the money also. You have to pay salary. Then you know, like if the team is saying कि इतने सारे लोग आके ये मांग रहे हैं, तो आप क्यों गिरा रहे हो? Why are you not putting it on the menu? So then I have to kind of okay, I'll do my own version of it or you know like something like that. Karna padta. It is a driving factor in a few things. Samir, I have a question for you, which is that if and this is something that people are also talking about right now that a content creation is it actually adding curiosity or is it somehow becoming a doomscroll of entertainment. We had this conversation, but I think it's a mix of multiple facets. So while if you're inquisitive, you're able to find newer places, you're able to create content around it. But at the same time, let's also face the fact it's become a full-time job for a lot of people. It's become a proper business. People are running their households from it.
So if they do something for clickbait or to, you know, kind of garner additional eyeballs, no mind to say it's right or wrong. So it's okay. But I sincerely believe that there it's like an ocean. There is space for everybody. While there might be people who are curating, wanting to garner eyeballs, eventually translating into individual monetary benefits, there are also people who would want to do that in a manner where you're showcasing your talent, you're sharing your places, you're exploring, you're expanding your horizons and getting that to the audience. So I think this mix would remain. We can't say that this is ethical, this should happen like this and this should happen. I think this mix should remain. Eventually it boils down to the consumer on what you want to consume. As my last question before we open up to any audience Q&A that may be, as for you, and before we go down, starting with you, Aunty, as for you, what is responsible, I'm not going to say ethical, but what is responsible content creation for food? Do you have one rule or a code of conduct that you follow? I follow too many rules. That's the problem. I love it. So ethical or responsible, again, ethics and responsibilities are very, very personal notions, right? These are abstract nouns that we learn in school about, but we realize what it means when we grow up. Personally, I will never put out something that I personally disagree with. अगर मुझे कोई लगता है कि कोई चीज़ ठीक नहीं है, सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, तो मैं नहीं करूँगी. Personally, I write about things that I truly believe in. That's, things that I like, things that I, because I think at the age that I'm in, at the stage in my career I'm in, a lot of people take what I write or what I say seriously. There are food influencers who have millions of followers. People look at it, it's entertainment, it's information. Absolutely no qualms about it. It's great what they're doing, but I don't fit into that. I know that there are people who call me and essentially ask, acha, I have to go out for brunch with my parents. So main kahan jaun? So it's a responsibility for me. It's not that because kisi ne mujhe bulaya hai ya koi information hot hai ya koi trend hai to main uske bare mein ya likhu. This is very close to one piece of advice that I got very early on when I started writing was to free mein aapko kuch experience milta hai whether to eat or to travel or whatever wo sab bahut acha lagta hai. So unless you can back it by paying for it, that is honest opinion. As a content creator yourself, is there one kind of like rule you have for responsible content creation? It has to be authentic. That's the biggest thing. Like whatever I'm writing about, it has to be well researched. It has to be authentic, and you need to pay credit to the people who have taught you that particular thing, or the dish, about the ingredient. If you have gone to a particular place, like I was in Manipur and there were five home chefs over there who came together to teach me what they taught me, a few dishes, whatever we could learn in a few hours. And I made sure that, I have all their names, I have their pictures, and I have to post about them. And this is where I learned, and I would just come back with them. I won't take a lot of time. I know we're almost on top of the hour. But yeah, authentic is the word which speaks to me, right? With authority comes a lot of responsibility, right? If you're putting something out there, then you should be convinced and should be able to stand by it, right? It's already been discussed multiple times today that social media has democratized things. Anybody can say anything. I put out my own top 10 lists, right? But I should have the ability to back that up, right? And that's what I do. So, till the time you're authentic, till the time you're doing it in the right spirit, till the time you're doing it in a manner where
you know, the content speaks about a place or a person in a manner which is able to help that person or the entity, I think overall, if your heart is in the right place, are you moving in the right direction? Authentic also can be very relative to people. So just stick to your authenticity and I think you should be fine. Fantastic. Just one small point. Just उसमें हम कुछ भी ले सकते हैं जब हम अनदर थिंग इज खान के बारे में लिखते हैं तो भी हम कुछ भी ले सकते हैं मिलियंस ऑफ पीपल हु विल करेक्टर्स ऑफ सोशल मीडिया सो वी हैव टू बी अवेयर व्हिच इज व्हाई व्हाटएवर वी सेड वी ऑथेंटिक जो अपना सब्जेक्ट है अपने टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं तो आप उसके बारे में पूरी रिसर्च करते हैं ऐसे कुछ नहीं ले सकते बिकॉज देन यू विल गेट ऑल द फीडबैक्स एंड व्हाटएवर नेम यू क्रिएट आगे बढ़ते हैं अगला हमारा पैनल डिस्कशन है स्ट्रीट फूड एंड टूरिज्म इसके लिए मैं अपने पैनलिस्ट्स को आमंत्रित करूंगा गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन आई सी लॉट ऑफ फ्रेंड्स हियर आल्सो आई थिंक आई कैन नॉट बिगिन दिस कन्वर्सेशन विदाउट टॉकिंग अबाउट अनुभव सप्रा हुज जर्नी एज नाउ आई थिंक आई हैव रिटन अबाउट आई हैव रिकॉर्डेड आई हैव बीन पार्ट ऑफ I think minimum 10 years, if not more, no? Yeah. Anubhav is is actually a living symbol of what people can do to promote tourism through food, And I think when we talk about tourism, for a long time in our country, we did not talk about our food heritage, our food culture. We just talked about our monuments, our dances. I mean, we have great history, great culture. Definitely, we are all proud of it, but I think our food culture is something we all relish. I mean, sometimes we take it for granted. I think that's why we never promoted it the way it's being promoted now. I'll begin with Mr. Bakshi because you represent Delhi tourism. So, how is Delhi tourism making Delhi a destination by itself and not a stopover? I would like to start with when we say about Delhi, we tag it as India in itself. There is no community, there is no language, there is no culture of the country which is not represented by Delhi. Besides being the political capital, it is the capital of the peoples of different regions, religions, faiths, beliefs, and since sitting on that forum, I was just thinking that is there any street food of this country which is not available in this city? So, Mr. Mahathir, what are you doing to actually get people talking and interested in street food? If you see most of the on the tourist circuit, it's only certain restaurants which are favored, I've never seen, a street food walk being organized by a mainstream tour operator, So, are you changing on that or am I wrong? What is happening? Let me first take just 1 minute to introduce myself and then carry on with it. I've been on this panel for 48 years of experience, okay? So 20 years as a hotelier with the 5-star hotels, chains and stuff and seeing the perspective of food from a 5-star culture, right? But being a foodie born in Calcutta and living in Delhi for so long and being a Mathur, we have seen a lot of street food culture, not only in our homes, but also outside. Now, as far as the general perspective of tourism is concerned, let me just put this across, that when we go to Bangkok, Singapore, Malaysia, USA, we never book the hotel in what is known as an American plan, which is breakfast, lunch and dinner in the hotel. There we want to experiment, we say, paise bhi bachenge, hotel ka khana mehenga hai, we will do breakfast, kyunki breakfast mein anda vanda mil jata hai, paratha na mile to chalega. But we can eat breakfast, fruits, everything, but for lunch and dinner, we will eat outside. And when we come to eat outside, we obviously don't go to rich restaurants, we go to the street food. When you go to the street food, obviously bakery is the first choice because that fills your stomach and it's okay. But then we experiment with the local food.
On the reverse of it, when an Indian goes out, it was Singapore or a Bangkok or a Malaysia, I've had, I also run a travel company now, which is about 28 years old, so we've sent a lot of people to Bangkok, Singapore, Malaysia, blah, blah, blah. But there they want Indian food, and only Indian food. Now, you please try and understand, the audience must know, because some people may not know. I did a conference in Istanbul, and we had the Indian food. But one dish, as an experiment, I put the Istanbul food there in a dish. It was open, not one spoon was taken by anybody. So this is a very strange kind of a dilemma and a problem that we are facing in the within the tourism discussions whenever we had, as to why an Indian, when he goes abroad, he eats local when he wants to save his money. But when a dealer conference goes, they don't want anything but a dal makhni and a aloo tadka and thing like that. Why is it? The second thing that if you want to know, really speaking, as far as tourism is concerned, it is such an important factor in tourism to have a culinary experience, to face, to taste the cuisine, and things are changing. But I would say the top 20% of the traffic of tourism understands this in a very big way, that we want to have a Singaporean food or we want to have a Chilean food or a Mexican food. But the trouble is that in India, a lot of people are now waking up to this fact that there is a lot of food available which was not there before. In tourism, agencies like that, you know, and tour operators, independent and corporate. In fact, Sweti, I want your thoughts on it, because you know, how do they incorporate street food into the overall packaging? Because I see very little of the overall packaging happening in these big group tours that happen. You know, so if, I mean, I don't see anyone going to Chandni Chowk to you know have. You know, what not transcript or something. just tikki or something. So, saying things like that. What is your thought? And then, then we'll pan to Udit and his thought as a chef. But before that, you know, any how does one incorporate this larger picture into tour itineraries? So, I mean, in my experience, what I've understood is that there are, of course, also, let's say, the inbound traffic, people who are coming into India. I'm talking about the inbound traffic. Yeah. So, in my experience, the last few years have changed the profile of that person. Aaj jo aata hai, banda wo alag hai. In fact, somebody the other day, bade pyar se mujhe bola ki aaj to, you know, the inbound travelers are our auditors. They are the ones who ask us, acha, we are coming to this city, but we don't want to only do this. What else do you have? How can I connect with the city? They are the ones who want a deeper experience, and maybe the narrative has changed. 10 years ago, 8 years ago, when we went to people and said, we are here to tell you about responsible tourism, they didn't entertain us. Today, because it makes business sense for them, they are entertaining us because there is a clientele for it, and a very high-end clientele, and those are the guys who actually want to also have Golgappa. So, you know, this thing about Delhi belly, this, worrying about hygiene, I think it's not that. It's about cultural barriers. It's like us going to, like I went to Namsai in Arunachal Pradesh for work, and, you know, they offered me a raw fish soup. And, I was like ready for enough chuck, but I said, you know, this looks delicious, it looks interesting, let me try it, because I had 3 bowls of it. So it's our barrier, and I don't think we are not proud of our street food enough to be able to, you know, sort of give the other person confidence that they can try. Yeah, you know, feel that, you know, chefs are a big part of Delhi's culture today, you know. And what do you think, sort of linking it to street food and tourism, you know, how can you become, drivers of a movement to promote street food and make it part of the tourism experience? Hi everyone. I think of late, what I've seen in the last 3-4 years, there's been a proliferation of street food in our menus that I'm seeing in restaurants. It's now a process of where we're moving away from butter chicken, dal makhni on Delhi menus. And we are getting, Golgappas, Chaats, I think someone had mentioned the Paratha Chaat. So we are getting those things back into our menu now.
And I'm also happy to say, yes, it is that, you know, the inbound tourism, they're now demanding, inbound tourists are demanding proper Indian food. So I think the process has already started, but there's a lot more that can be done. In fact, my plan was to, of course, go straight to Bengali market and then Chole Bhature after this event, you know. but that is the, you know, these are the evergreen, you know, magnets of the city, you know, which, fine dining restaurants will come and go, you know, but these magnets will remain as big as they are. And I think that's why it's so important to make street food very much part of the tourism rubric and get people to talk about Delhi street food and its the brilliant, great, vibrant culture that we have. Isse pehle ki hum log award ceremony show kare, jo hamare street food vendors aaye hain, unka tehe dil se shukriya ki aap log yahan pe aaye. Aur ye shaam street food vendors ke naam pe hai. Aur hamari bas ek koshish hai ki jo street famous street food vendors hain, unko honor kiya jaye. Kuch lesser known bhi hai, unko honor kiya jaye. Jo pura iska ek jo matlab prakriya rahi. इस पूरे हम कैसे पिक किया हम लोगों ने कि कौन बेस्ट छोले भटूरे है, कौन बेस्ट मोमो की शॉप है दिल्ली में, उसके पीछे हम लोगों ने एक हमारा एक क्राइटेरिया है, ये बाई पब्लिक वोटिंग है. उसका नाम हमने अलग अलग सोशल मीडिया से एक कोलेट किया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब प्लेटफॉर्म से. उसके बाद फिर उनकी हम लोगों ने वोटिंग की और वोटिंग में हमने फिर वही जो हमने एक लिंक बना के लोगों को शेयर किया, उस वोटिंग के हिसाब से उनको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं वो विनर है. इसलिए हमने सर्टिफिकेट में पर्टिकुलरली मेंशन भी किया है कि भाई पब्लिक वोटिंग. तो हम लोग शुरू करेंगे वन बाई वन, और छोले भटूरे की बात की तो शुरुआत छोले भटूरे से ही करेंगे. जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट नंदी हट्टी. आपको पता होगा कि सदर बाजार अगर आप गए और आपने नंदी हट्टी के छोले भटूरे नहीं खाए तो इनकम्प्लीट है. देसी घी में बिना विदाउट एनी अनियन एंड गार्लिक के पार्टीशन के पास से करते आ रहे हैं. और हमको हमारे साथ शायद से थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन हमारे साथ अवार्ड रिसीव करने के लिए, तो प्लीज. बेसिकली 1983 में इनके ग्रैंड फादर जो है जुम्मा राज टुटेजा जी ने ये बिजनेस स्टार्ट किया, और फिर इनके फादर जो है महेश कुमार टुटेजा जी इसको काफ़ी आगे बढ़ाया, और अभी थर्ड जनरेशन है कृष्णा टुटेजा जी. तो थैंक यू कृष्णा टुटेजा जी, आप आए. जो थर्ड कैटेगरी है वो समोसे की है, और इनकी जो विनर है वो है श्री बाके बिहारी समोसे वाले पहाड़गंज. और इनका समोसा तो फेमस है, साथ साथ इनका गुलाब जामुन भी बहुत ही उड़ता है. इंडिया में बहुत जगह ट्रैवल किया, मैं कह सकता हूँ कि जो नेशनल डिश है हमारी आज की डेट में जो कंटेम्प्रेरी टाइम में आप कहें तो वो मोमोज ही है. हर जगह मिल जाएगी किसी ना किसी फॉर्म में आप. तो जो विनर है वो है डोलमा आंटी, जिनकी शॉप लाजपत नगर में है, और एक बहुत ही सक्सेसफुल फीमेल एंटरप्रेन्योर है. उनकी जर्नी की शुरुआत जो मुझे पता है पहले इंडस्ट्री में थी, अभी हमने थोड़ा सा एक सेटअप शुरू किया लाजपत नगर में. आज एक तरह से इनकी मोमो फैक्ट्री है, और वो फैक्ट्री दिल्ली में कई जगहों पे इनके मोमो आप लोगों ने टेस्ट किए होंगे. कमला नगर में भी इनके एक आउटलेट है, ऑटो में इनका सामान लाजपत नगर से कमला नगर पहुंचता है. थैंक यू मैम, आप आए. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं एक फेलो टिबेटन और अनदर मोमो क्वीन को एक अवार्ड दे रही हूं. आई एम वेरी प्राउड. कैटेगरी है बेस्ट छोले कुलचे, तो एनी गेसेस की कौन जीता है? लोटन जी जीते हैं, तो वी वुड लाइक मिस्टर लोटन जी. इनका भी इनकी भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. पुरानी दिल्ली चितारा बाजार, सॉरी चावरी बाजार में इनकी दुकान है, और अब तो इनकी परमानेंट दुकान हो चुकी है. पहले स्ट्रीट पे पेवमेंट पे इनके छोले कुलचे मिलते थे, लाइन लगा के हम लोग छोले कुलचे के लिए वहाँ खड़े होते थे. और इनके जैसे जो छोले कुलचे हैं, मुझे लगता है कि इनके स्टाइल का वो कोई और नहीं बनाता. मटरा कुलचे बहुत जगह मिलते हैं, इनके प्रॉपर छोले कुलचे हैं. नेक्स्ट अवार्ड है वो है बेस्ट कबाब्स इन दिल्ली. तो एनी गेसेस कौन जीता है बेस्ट कबाब्स के लिए? एनी गेसेस कबाब के लिए? कुरेशी. कुरेशी, हाँ बिल्कुल कुरेशी जीते हैं. अर्शद भाई, गुड्डू भाई, प्लीज स्टेज पे आइए. ये हमारे फर्स्ट एडिशन में भी विनर थे कबाब के. दुकान है अगर मैं सही समझ लो तो उनको लगभग 72 साल हो गए हैं, और इनके जो वालिद साहब है हाजी अब्दुल खानी कुरैशी जी ने उन्होंने शुरू किया था.
और अब ये बड़े काबिल हाथों में हैं चार भाइयों के, जो बहुत ही उन्हीं काबिल हाथों का इस्तेमाल करके बहुत ही बढ़िया कबाब बनाते हैं। जो नेक्स्ट अवार्ड्स हैं वो हमने एक स्पेशल कैटेगरी क्यूरेट करी है, जैसे फीमेल फूड एंटरप्रेन्योर है, हॉल ऑफ फेमर्स है, ट्रेल ब्लेजर्स है, एंड उसके लिए मैं DFW की टीम को बुलाना चाहूंगा क्योंकि ये हम लोगों ने आपस में डिसाइड कर दिया है। तो अनु सर प्लीज, पहला जो कैटेगरी है वो है Women Street Food Entrepreneur of the Year, and the award goes to Tenzin Choke from Hajruka Dina. So, Tenzin Dino Popular ke Dabi Mu Didi Bhi Ta Aapne dekha hoga ki TV mein kitni sari stories mein ye laughing banate hai bahut Thank you Thank you Harshit. So since Harshit ne डिनर का इतना ज़्यादा माहौल खड़ा कर ही दिया है तो आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर। मैं पिछले 10-15 दिनों से सभी के साथ बातचीत कर रही थी और जिस इंटरेस्ट और एंथुसियाज्म के साथ आप लोग इंटरेस्ट शो कर रहे थे इस अवार्ड फंक्शन में आने के लिए, आई थिंक हाफ द बैटल वॉज वन फॉर अस देयर। तो आप सभी की ये मौजूदगी और आप सभी ने अपना समय निकाला, आई थिंक ये आप सबका लव फॉर फूड और हमारे जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं उनके प्रति एक रिस्पेक्ट प्रदर्शित करता है। एंड आई होप जो हमारे आज के विनर्स हैं वो इसी तरह से प्यार परोसते रहें और दिल्ली की हेरिटेज में चार चांद लगाते रहें। वी आर हियर टू गिव देम ऑल द हाइप दैट इज नीडेड। थैंक यू सो मच टू द विनर्स, थैंक यू सो मच टू आवर पैनलिस्ट फॉर एनरिचिंग डिस्कशंस, थैंक यू सो मच टू ऑल द गेस्ट्स फॉर कमिंग हियर, and thank you to Bikaner Wala, Zehra, Rustic Kitchen, Kurbar Kurpi for their lips smacking catering jo bhi aap turant hi try karne wale hain। So I hope isi tarah se khana aur khane pe patiyane ka silsila chalta rahe aur isi ke sath the dinner is waiting for you, I hope you have a good night, thank you। वेरी गुड एक्सपीरियंस टुडे, मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, इनफैक्ट DFW में ये सेकेंड टाइम अवार्ड करा है, बट आई एम नॉट आई हैव हर्ड अबाउट इट, बट मैं फर्स्ट टाइम आज यहाँ पे आया एंड इट वॉज ए रियल गुड एक्सपीरियंस मीटिंग पीपल, मीटिंग अनुभव सापरा, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट हिम, बट इट वॉज ग्रेट मीटिंग हिम एंड बियॉन्ड एनीथिंग एक्सपीरियंस। तो दोस्तों हम थे यहाँ दिल्ली फूड वॉक्स के स्ट्रीट फूड अवार्ड्स में, सालों साल अनुभव सापरा जी ये करते आ रहे हैं, बहुत ही मज़ा आया यहाँ पर क्योंकि एक तो फूड के ऊपर जो डिस्कशन था वो बहुत अच्छा था, स्ट्रीट फूड का टूरिज्म के साथ जो तालमेल है बहुत ही मज़ा आया, और साथ साथ जो दिल्ली के खासकर जो अलग अलग व्यंजन है हमारे यहाँ के, चाहे वो निहारी हो, चाट पकौड़ी हो, हलवा हो, बहुत सारे ऐसे कम से कम 15-20 डिफरेंट कैटेगरीज को अवार्ड मिले हैं, सारे लेजेंड्स हैं और बहुत ही अच्छा एक इंडस्ट्री को साथ में लेकर आए हैं। और जैसे कि दिल्ली फूड वॉक्स हैव बिन यू नो एक्सप्लोरिंग दिल्ली एंड ऑल ओवर इंडिया, जब ये सब सामने आ जाता है हमारे तो बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू दिल्ली फूड वॉक्स, अमेजिंग। आई लव द इवेंट, आई हैव टेकन माय नोट्स, द पीपल हु वन द अवार्ड्स आई एम डेफिनेटली गोइंग टू गो एंड ट्राई, सम ऑफ देम आई हैव ट्राइड एंड सम ऑफ देम आई एम येट टू ट्राई, सो आई एम गोइंग टू गो एंड ट्राई आउट दोस डिशेस एंड दोस लिटिल होल इन द वॉल हेरिटेज प्लेसेस। Big thanks to Anubhav. I've been following his journey since 2012. It's been more than a decade. Congratulations and all the very best to Anubhav and DFW. Keep doing this. So this was my first time with Anubhav Sapra's Food Award event, and the award was wonderful. And I'm so happy that finally someone is recognizing street food vendors, because I have hardly seen street food vendors being recognized, and here Anubhav has given awards too. So thank you, and I want to say thank you to Anubhav. I shall attend it again soon.